त्योहारी सीजन के दौरान मुंबई के मुख्य तटों पर श्रद्धालुओं और मौज मस्ती करने वालों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है और विसर्जन के बाद इन प्राचीन तटों की साफ सफाई सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। आइए देखते हैं समुद्र तट की सफाई पर एक स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल में प्रसिद्ध अभिनेत्री सयामी खैर ने जुहू बीच पर गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट की सफाई अभियान के आयोजन का बीड़ा उठाया है। यह प्रयास भामला फाउंडेशन के समर्पित स्वयंसेवकों के साथ साझेदारी में है, जो पर्यावरण संरक्षण में अपने अथक प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। त्योहारी सीजन के दौरान मुंबई के समुद्र तटों पर श्रद्धालुओं और मौज मस्ती करने वालों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है और विसर्जन के बाद इन प्राचीन तटों की साफ सफाई सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। सयामी खैर ने इस मुद्दे को संबोधित करने और उस शहर में योगदान देने का बीड़ा उठाया है जिसे वह अपना घर कहती है। सयामी खैर, जिन्होंने हाल ही में विकलांगता कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम किया है, ने लगातार सामाजिक मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। वह प्रेरणा की एक किरण है जो एक नायक की सच्ची भावना का प्रतीक है, सिल्वर स्क्रीन से परे और समुदाय में अपना प्रभाव बढ़ाती है। सयामी खैर ने पर्यावरण जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देते हुए सभी मुंबई वासियों के लिए एक शक्तिशाली संदेश साझा किया। उन्होंने कहा, बप्पा को उत्सव के बाद हमारे समुद्र तटों को कूड़े से भरा हुआ देखना निश्चित रूप से पसंद नहीं आएगा। मैंने अफरोज शाह के साथ काम किया है, जो पिछले 7 वर्षों से अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। इस बार भामला फाउंडेशन से जुड़कर बहुत खुश हूँ। हमारी भक्ति का विस्तार होना चाहिए। हमारे शहर और उसके समुद्र तटों की सुंदरता को संरक्षित करने के लिए आइए हम अपने तटों को स्वच्छ और समृद्ध बनाए रखने के इस नेक काम में हाथ मिलाएं। यह महत्वपूर्ण है कि हम पर्यावरण को बचाने की आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए अपनी परंपराओं और संस्कृति का भी सम्मान करें। जुहू बीच पर समुद्र तट की सफाई का अभियान 29 सितंबर को सुबह 7 बजे हुआ और सयामी खैर सभी संबंधित नागरिकों और स्वयंसेवकों को इस प्रयास में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। खास खबरों के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।